अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट के बाद लालू के साथ में एक बार फिर खुश आमदीद। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। एक ताज़ा खबर है, पाकिस्तान के जो चीफ सेलेक्टर हैं मोहम्मद वसीम ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो 3 ODI मैचेस हैं इनके स्क्वाड का ऐलान कर दिया। उन्होंने सरफराज अहमद को बल आखिर उन्होंने ड्रॉप ही कर दिया। जिस तरह से बाहर बिटाते रहे और आखिरकार चीफ सेलेक्टर साहब ने उनको स्क्वाड से ही बाहर कर दिया। और यहाँ पर दो अहम वापसी हुई है, इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह की भी टीम में वापसी हुई है। दो बड़े नए चेंजेस मैं कहूँ, मोहम्मद वसीम जूनियर और शाहनवाज दानी की भी ODI स्क्वाड में वापसी हुई है, तो उसी हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। स्क्वाड जिस तरह से वसीम साहब ने अनाउंस की है 20 रुकनी, इसी का भी व्यूवर्स आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन इस टीम में शामिल हैं। पहले स्क्वाड पर नज़र डालेंगे। बाबर आजम हैं, शादाब खान हैं और अब्दुल्ला शफीक हैं, फ़खर जमान हैं, इमामुल हक हैं, फ़यूम अशरफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज़, जायद महमूद की भी यहाँ पर स्क्वाड में वापसी हुई है। अभी आपको बता दूँ कि वो पहले T20 में थे, पहले टेस्ट में थे, फिर T20 में आ गए और अब ODI स्क्वाड में भी वो शामिल हो गए। उस्मान कादिर हैं, शाहिन शाह अफरीदी हैं, साउथ शकील, मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद वसीम जूनियर KPL में शानदार परफॉर्मेंस के बाद उनको भी मौका मुयसर किया यहाँ पर सेलेक्टर साहब ने। शाहनवाज दानी हो गए, साथ साथ में मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद आरिस और इसके साथ साथ आरिस रऊफ, ये 20 रुकनी स्क्वाड थी। मैंने आप लोगों को बताया और इस पर शेयर किया आप लोगों से व्यूवर्स। अब खुशदिल शाह के हवाले से कहूँ और इफ्तिखार अहमद जो कि वापसी उन्होंने की है, ठीक है, उन्होंने KPL के लिए अच्छी परफॉर्मेंस खुशदिल शाह की भी रही, बट चीफ सेलेक्टर साहब कहते हैं कि जो स्क्वाड बनाई गई है वो 2023 के क्वालिफाइंग राउंड के हवाले से भी तैयारियों में एक अहम हिस्सा है। तो सेलेक्टर साहब का कहना है। और सरफराज के हवाले से बार बार हमने कई शोज़ किए इस पर कि सरफराज को मौका मिलेगा, कब मौका मिलेगा। बस विवर्स मौका तो छोड़ें, बल्कि अब तो ड्रॉप ही हो गए टीम से। अब तो T20 में देखना ये होगा कि इनका नाम आएगा नहीं आएगा। 20 रुकनी स्क्वाड में देखेंगे कि 11 क्या बनता है, प्लेइंग 11 में कौन कौन आ जाता है, कौन कौन शामिल होता है। बट चीफ सेलेक्टर साहब ने ऐलान कर दिया, हैरान कन तौर पर मैं कहूँगा, हैरान कन तौर पर सरफराज इससे ड्रॉप हुए। खुशदिल शाह, शाहनवाज दानी की बात कहूँ, बहुत ही अच्छी फैसला यहाँ पर मोहम्मद वसीम ने लिया, उनको ODI में भी लेकर है। बट टीम में शामिल करना तो आसान है, अगर आप मौका मिलता है तो ये बेहतर रहेगा मेरे ख्याल में। अब तो वो T20 के स्क्वाड में हिस्सा रहे, लेकिन सॉरी टेस्ट स्क्वाड में हिस्सा रहे, लेकिन उन्होंने खेला नहीं। अब ये देखना होगा कि ODI के बाद वो T20 में भी आ जाएंगे, क्या हो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इस दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में दोबारा आप लोगों की खिदमत में मिलेंगे। व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच।